रफ्तार के कहर ने लील ली सोशल मीडिया स्टार राउडी भाती की जिंदगी। रफ्तार का रोमांच पड़ा भारी, दर्दनाक हादसे में राउडी का निधन और दो दोस्त लड़ रहे जिंदगी की जंग। मिलियंस में थे भाटी के फॉलोअर्स, लेकिन हादसे के बाद मदद के लिए नहीं मिला एक शख्स। देखिए कैसे हुआ हादसा और किसके साथ सफर कर रहे थे राउडी भाटी। सोशल मीडिया स्टार राउडी भाटी जहां जाते थे उनके चाहने वालों की कतारें लग जाती थी, लेकिन जब रात को वो हादसे का शिकार हुए तो उनके पास घायल दोस्तों के अलावा मदद के लिए कोई नहीं था। डर से कराते हुए राउडी ने शायद मदद के लिए आवाज भी दी होगी, लेकिन रात के गुप्त अंधेरे में कोई मदद के लिए भी ना आ सका और दर्द से तड़पते हुए राउडी की जिंदगी की डोर टूट गई। हादसे के वक्त राउडी तेज रफ्तार कार में दो दोस्तों के साथ सवार थे, जो अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। 25 साल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोहित भाटी उर्फ राउडी भाटी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा ग्रेटर नोएडा के चुहड़पुर अंडरपास के नजदीक उस समय हुआ जब रोहित उर्फ राउडी भाटी एक पार्टी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। रोहित भाटी उर्फ राउडी भाटी बुलंदशहर के सिकंदराबाद के रहने वाले थे। रोहित भाटी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर रोहित भाटी को लोग राउडी भाटी के नाम से जानते थे। इतना ही नहीं, राउडी भाटी गुज्जर कम्युनिटी के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने वीडियोस पोस्ट किया करते थे। राउडी भाटी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर मिलियंस के करीब फॉलोअर्स हैं, तो यूट्यूब पर भी उनके कई एक्टिंग, डायलॉग और गाने के वीडियो मौजूद हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राउडी भाटी अपने डायलॉग्स के लिए काफ़ी फेमस थे। उनकी मौत के बाद उनके फैंस काफ़ी दुखी हैं। राउडी भाटी के अंतिम संस्कार में उनके फैंस शामिल हुए और अंतिम संस्कार की रील और वीडियो पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रोहित भाटी उर्फ राउडी भाटी फिलहाल ग्रेटर नोएडा की चाई सेक्टर स्थित निम्बस सोसाइटी में रहते थे। सोमवार देर रात करीब 3 बजे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने दो दोस्तों के साथ किसी पार्टी से लौट रहे थे। इसी दौरान रोहित की स्विफ्ट कार अचानक से अनियंत्रित हो गई और चौहड़पुर अंडरपास के पास पेड़ से टकरा गई। इस हादसे की जानकारी बीटा 2 पुलिस को तड़के 3:15 बजे मिली। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और आनन फानन में तीनों घायलों को जिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाज के दौरान राउडी भाटी की मौत हो गई। वहीं राउडी के दो दोस्त मनोज और आतिश की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 प्रभारी अनिल राजपूत ने बताया कि राउडी ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, उनके सिर पर गंभीर चोट लगी थी। तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने राउडी को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल मनोज और आतिश का इलाज जारी है। राउडी भाटी की कार तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित हो गई थी, ये बात पुलिस जांच में पता चली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां हादसा हुआ वहां मोड़ था और तेज रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि यदि कार की रफ्तार कम होती तो पेड़ पर टकराने से कार को रोका जा सकता था, लेकिन कार के पेड़ से टकराने के बाद बाईं तरफ का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और अगला शीशा भी टूट गया। कार की हालत देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें जो भी सवार था उसका बचना नामुमकिन है। हादसे के बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं और लोग संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।